गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेलिंग अबाउट चैप्टर 9 द पैरट्स एंड द फ्लावर। आपने बेटा चैप्टर रीड किया है और आपने स्टोरी भी आपने लर्न की होगी। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज लर्न न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग फॉर इम्प्रूव योर वर्कअप। आपको बेटा विद स्पेलिंग आपको न्यू वर्ड लर्न करने ताकि इससे आपकी वर्कअप इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड इज बेटा गार्डन। आई एम टेलिंग अबाउट सम न्यू वर्ड्स, ठीक है ना? तो फर्स्ट आपका क्या है बेटा? गार्डन, GARDEN, गार्डन। सेकंड है बेटा टीयर। टीयर जानते हैं आप? गार्डन तो सभी जानते होंगे, पा बगीचा। टीयर क्या है? ड्रॉप्स कम योर आइज, वाटर ड्रॉप्स कम योर आइज व्हेन यू आर क्राइंग। जब आप रोते हैं तो आपकी आंखों से जो पानी आता है वो क्या है? टीयर, आंसू। रब्ड, रब्ड का मीनिंग होता है बेटा RUBBED, रब्ड मीन्स होता है रगड़ना। नेक्स्ट आपका फोर्थ WAVED, वेव होता है हिलाना। मूव योर हैंड जेंटली, बाय गुड बाय बोलने के लिए आप हाथ अपने हैंड को यानी कि आप हिलाते, मूव योर हैंड जेंटली, WAVED, वेव। नेक्स्ट आपका बेटा हैवीली, हैवीली होता है HEAVILY, हैवीली होता है जोरों से, ठीक है? नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड इज बेटा वा, WORM, वर्ब, वर्ब, एस ओवर WORM, वर्ब्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब्स? वर्ब्स का मीनिंग होता है बेटा लिम्पलेस, LIMBLESS, LIMBLESS। बेटा वर्ब्स का आप है स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल एंड थिन इंसेक्ट, हैव नो लेग्स एंड नो बोन्स। उस पर यानी उस पर बेटा स्मॉल सा इंसेक्ट होता है, आपने देखा होगा फ्लावर पे बिल्कुल स्मॉल सा थिन सा इंसेक्ट होता है, विदाउट एनी लेग्स एंड बोन्स। उसके जब लेग विदाउट एनी आइज एंड बोन्स, उसके यानी बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है ना? तो वर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्म्स? लिम्बलेस। सेकेंड वर्ड इज बेटा, सेकेंड है आपका स्केट, SCARED, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केट? स्केट का मीनिंग है बेटा टेरिफाइड, TERRIFY, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केट? टेरिफाइड। आप इसको फ्राइटेंड भी करते हैं, डरा हुआ, ठीक है बेटा? नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज बेटा PEEP, पीप होता है बेटा छांकना होता है, लुक्ड क्विकली, लुक्ड LOOKED, लुक्ड QUICKLY, लुक्ड क्विकली। नेक्स्ट बेटा आपका है पैटर्न, PETALS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स? आप बेटा इसको थोड़ा आ ब्यूटीफुल पार्ट, आ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके बेटा, दीज आर न्यू वर्ड एंड दीज आर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज GARDEN, गार्डन, TEARTER, RUBBED, रब्ड, WAVED, वेव्ड, HEAVILY, हैवीली। नाउ वर्ड मीनिंग WORMS, वर्ब्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब्स? LIMBLESS, लिम्बलेस। सेकंड स्केयर, SCARED, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयर? टेरिफाइड, TERRIFY। नेक्स्ट थर् ड वर्ड इज पीप्ड, PEEPED, पीप्ड का मीनिंग क्या बेटा? लुक्ड क्विकली, लुक्ड क्विकली। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज पेटल्स,
PETANS patterns. What is the meaning of petals? Petals are beautiful and colorful part of a flower. यानी जब फ्लावर होता है बेटा उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी कलरफुल सुंदर सुंदर सॉफ्ट पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? पेटल्स. ओके स्टूडेंट्स, लर्न न्यू वर्ड विद स्पेलिंग एंड लर्न वर्ड मीनिंग. ओके नाउ आई एम टेलिंग अबाउट पंचने द सेंटेंसेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू पंचवेता सेंटेंसेज. आपको सेंटेंस दिया गया बेटा, री राइट सेंटेंसेज. आपको पंचवेता सेंटेंसेज का मीनिंग होता है आपको कैपिटल लेटर फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखते हुए आपको बेटा सेंटेंस री राइट करना है. री राइट का मीनिंग है आपको दोबारा से उनको राइट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपका है फर्स्ट है री राइट द सेंटेंसेज. री राइट द सेंटेंसेज विथ कैपिटल लेटर विथ कैपिटल लेटर्स एंड विथ कैपिटल लेटर फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जानते हैं बेटा, ये वाला फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. ओके एंड क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क भी जानते होंगे बेटा आप, ये वाला क्वेश्चन मार्क. ओके आप देखिए री राइट दी द सेंटेंसेज विद कैपिटल लेटर फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. आपको बेटा ये सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस राइट करेंगे हम, उनमें आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल में करना है, एंडिंग में फुल स्टॉप आपको लगाना है. ठीक है बेटा, देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका स्मॉल एस सी इज माय, यहाँ पे स्मॉल एस है बेटा, सी इज माय फ्रेंड. ओके सेकंड आपको यहाँ रीराइट करना सेंटेंस है, वी आर going, we are going to the zoo. का थर्ड सेंटेंस मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे, टोमी लाइक्स टू ईट एग्स, टी ओ डबल एम वाई टोमी लाइक्स टू ईट. Tommy likes to eat eggs. And fourth sentence aapka, Suman goes to school. Suman goes to school. Last sentence aapka beta, Rita shares her food with Rohan. Rita shares shares her food, Rita shares her food with Rohan. My father bakes tasty cake. Next sentence. My father bakes tasty cake. डाउन साइड राइट करते नहीं, राइट करने में दिक्कत आएगी. माय फादर बेक्स टेस्टी केक. ओके बेटा अब आपको क्या करना है, पंक्चुएता सेंटेंसेज का मैंने मीनिंग बताया, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी राइट इन कैपिटल एंड एंडिंग द फुल स्टॉप. तो बेटा क्या करना है, फर्स्ट लेटर क्या है देखिए आपका एस स्मॉल है, तो फर्स्ट लेटर हमें क्या करना है, एस कैपिटल करना है. सेंटेंस में आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, एच टीज आपको राइट करना है, सी एच माई फ्रेंड.
आपका सेंटेंस कंप्लीट है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंडिंग में क्या लगाना है बेटा आपको, फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड है, वी आर गोइंग टू द जू, तो डब्ल्यू है आपका फर्स्ट लेटर, वो क्या होगा कैपिटल। वी आर, सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ओनली फर्स्ट लेटर राइट इन कैपिटल लेटर एंड एंडिंग द फुल स्टॉप। वी आर गोइंग टू द जू, जू के एंड में आपको फुल स्टॉप लगानी है। स्मॉल था हमने कैपिटल किया, या जेड इसको आपका यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप नहीं था, आपने फुल स्टॉप लगाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, टॉमी लाइक्स टू ईट एग्स। तो टॉमी में देखिए, टॉमी नेम है, प्रॉपर नाउन, आपको भी पता है कि स्पेशल जो नेम होते हैं वो हमेशा कैपिटल में राइट होते हैं। टॉमी तो हमने टी कैपिटल राइट किया, लाइक्स टू ईट एग्स, और एग्स के आगे आपने क्या राइट कर दिया, फुल स्टॉप। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस आपका, सुमन गोज टू स्कूल। सुमन क्या है, प्रॉपर नेम है, ठीक है ना, सुमन है तो हमने एस क्या राइट करना है, प्रॉपर। सुमन गोज टू स्कूल, और आपका सेंटेंस कंप्लीट है, स्कूल के एंडिंग में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। एस स्मॉल था, कैपिटल राइट किया, स्कूल के एंड में यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं था, तो हमने फुल स्टॉप। बेटा अभी मैं आपको ओनली कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप के बारे में बता रही हूँ, क्वेश्चन मार्क का हम बाद में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो आप एकदम से मिक्स अप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, फर्स्टली हम ओनली कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप के यूजेज राइट कर रहे हैं ना, लर्न कर रहे हैं। रीटा शेयर्स हर फूड विद रोहन। बेटा रीटा ये भी प्रॉपर नेम है, स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, तो रीटा ऑलवेज बी आर राइट इन कैपिटल लेटर। रीटा शेयर्स हर फूड विद रोहन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे रोहन है, हमें तो फुल स्टॉप ही लगाना है, लेकिन बेटा रोहन क्या है, ये भी प्रॉपर नेम है। अगर सेंटेंस के मिड में स्पेशल नाउन, आपको सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नाउन मिलता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, तो वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। तो रीता भी प्रॉपर नाउन है और रोहन भी स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, तो दोनों का फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा, कैपिटल। रीता शेयर हर फूड विद रोहन। ओके, इसलिए हमने आर कैपिटल किया है, क्योंकि रीता रोहन ये बोथ नेम आर स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, एंड स्पेशल नेम ऑफ पर्सन ऑलवेज बी राइट विद कैपिटल लेटर एंड एंडिंग द फुल स्टॉप आपने लगा दिया। नेक्स्ट, माय फादर बेक्स टेस्टी केक। माय में एम स्मॉल है, आप कैपिटल राइट कीजिए, सेंटेंस एज इट इज सेम राइट करना है, माय फादर बेक्स टेस्टी, माय फादर बेक्स टेस्टी केक। अब बेटा आपका ये सेंटेंस कंप्लीट केक, ठीक है ना, इसी स्मॉल है, कभी आप कैपिटल बनाते एंड में आपके फुल स्टॉप। पंक्चुएट का सेंटेंसेज का मीनिंग यही है बेटा, कि आपको रीराइट करना है, दोबारा से राइट करना है, सेंटर और सेंटेंस में कोई चेंजेज नहीं करना है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है और एंडिंग में फुल स्टॉप करना है। जैसे एक सी का एस कैपिटल था या स्मॉल था, हमने कैपिटल किया, एंड में फुल स्टॉप नहीं था, फुल स्टॉप लगाया आपने। ऐसे ही टॉमी में टी स्मॉल था, आपने कैपिटल किया, क्योंकि टॉमी क्या स्पेशल नेम ऑफ एनिमल, ठीक है ना। एस यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था, हमने क्या लगा दिया बेटा, एस, ऐसे करने। लेकिन यहाँ हमने आर रोहन कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल था, आप फर्स्ट लेटर ही आपको तो कैपिटल राइट करना था ना, लेकिन बेटा हमेशा या ऑलवेज भी रिमेंबर याद रखें कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज भी राइट इन कैपिटल लेटर। अगर सेंटेंस के बीच में आपको स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, किसी थिंग का स्पेशल नेम मिलता है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही राइट होगा। ओके, रीता एंड रोहन दोनों क्या स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, तो दोनों कैपिटल से स्टार्ट होंगे। माई में एम स्मॉल है, हमने कैपिटल किया, एंड में फुल स्टॉप। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट, बेटा अब मैं आपको, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यूजेज ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, आपने कभी रीड किया है बेटा ये वाला, कि आपने फुल स्टॉप का आपने रीड किया है। अब हम क्वेश्चन मार्क्स कैसे लगाते, किस सेंटेंस में आपको पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है या हमें फुल स्टॉप लगाना है बेटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आप किस सेंस में लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क आप कब लगाते हैं बेटा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जब आप किसी से, व्हेन यू, यानी कि पुट अ क्वेश्चन मार्क व्हेन एंड सेंटेंस दैट आस्क यू समथिंग,
जब आप किसी से कुछ पूछते हैं बेटा, उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड को याद कीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं बेटा? देखिए वॉट, डब्ल्यू एच एटी वॉट, आप यहाँ वेयर राइट करें, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, हु, ठीक है ना, ये है डब्ल्यू एच वर्ड जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है बेटा, उनके एंडिंग में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दो सेंटेंसेस स्टार्ट विद द डब्ल्यू एच वर्ड, वी पुट क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि एंडिंग द सेंटेंस में जो सेंटेंस आपका डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी ये क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस होते हैं, व्हाट इज योर नेम बेटा, आपसे क्वेश्चन में पूछ रही, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यानी कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा, एंडिंग में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंस होते हैं आपके डू से भी स्टार्ट होते हैं बेटा, हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, इनके एंड में भी आप किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं आप किसी से परमिशन के लिए, तो मे आई यूज योर पेंसिल, तो इस सेंस में भी आप, यानी आप उनसे उससे पूछे, क्या मैं आपकी पेंसिल, मे आई यूज योर पेंसिल, मे आई यूज योर पेंसिल, आप उसे परमिशन ले रहे, उस सेंस में भी आप क्वेश्चन मार्क का यूज सेंटेंस के एंड में करेंगे। तो बेटा आपने क्या सीखा, भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, हुम, हु, जो सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है उसके एंडिंग में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कुछ सेंटेंस डू से या हाउ से भी स्टार्ट होते हैं तो आप एंडिंग में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, और मे से भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज, अभी हम देखें इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए बेटा मेरा माय फर्स्ट सेंटेंस, आपका फर्स्ट सेंटेंस, देखो मैं मिक्स सेंटेंस राइट करूँ, पहले मैं आपको करूँ माय सिस्टर प्ले विद अ बॉल, माय सिस्टर प्ले विद अ बॉल, ठीक है, यहाँ पे एम छोटा बनाना है मुझे, माई सिस्टर प्ले विद अ बॉल, वॉट इज योर फेवरेट सीजन, सेकेंड सेंटेंस आपका, वॉट इज योर फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी, वॉट इज योर फेवरेट सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, Where are you going? Do you know how to ride a bicycle? Do you know how to ride a bicycle? How to ride, riding, सवारी करना, a bicycle, B I C Y C L E, may I use your pencil? May I use your pencil? May I use your pencil? Next sentence है बेटा आपका, who is your best friend? वो हम बाद में write करेंगे, चलिए मैं यहाँ यहाँ राइट कर देती हूँ, चलिए इरेज करके राइट कर देते हैं। अब देखिए बेटा आपको क्या देखना है, माई सिस्टर प्ले विद अ बॉल, आपको सिंपल सेंटेंस है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सीधा सेंटेंस है माई सिस्टर प्ले विद अ बॉल, सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या करना, आपको सिंपल सेंटेंस में बेटा आपको एम क्या है, माई का एम कैपिटल बनाना है, पूरा सेंटेंस सेम, और बॉल के आगे क्या राइट करना है, फुल स्टॉप, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, ये आपसे क्या पूछ रहा है, बोर्ड आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है ना, यानी कि आप कब बोलते हैं, दैट आस्क यू समथिंग, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप डब्ल्यू टू कैपिटल बनाएंगे, व्हाट इज योर
फेवरेट होता है पसंदीदा, आपको सबसे अच्छा लगने वाला सीजन कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं एंड में क्या आएगा बेटा? फुल स्टॉप, यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। भैया आर यू गोइंग, एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के एंड में हमेशा आप क्वेश्चन मार्क राइट करें। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल? क्या आप जानते हैं साइकिल की सवारी कैसे करते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं? डू, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो मैंने बताया था डू और HOW हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आप क्या राइट करेंगे? डी कैपिटल। डू यू नो हाउ टू राइड, हाउ टू राइड अ बाइसिकल? बी आई सी वाई सी एल ई एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। मे आई यूज योर पेंसिल? वैन यू टेक परमिशन? जब आप परमिशन लेते हैं उस सेंस में भी बेटा आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। यानी आप उसी से परमिशन ले रहे हैं कि सिर्फ कुछ पूछ रहे हैं आपकी। मे आई यूज योर पेंसिल? पी ई एन सी आई एल एंडिंग द क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आपने अभी क्या रीड किया एंड लर्न किया? आपने न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग एंड आपने री राइट सेंटेंसेज, वे यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, वी आर गोइंग टू पार्क, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, माई फ्रेंड इज रोहन। इस सेंटेंस में आई लाइक टू ईट मैंगो। सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, एंडिंग में फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन जो सेंटेंस आपके WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, ठीक ना, होम, इनसे आप स्टार्ट हो, WH वर्ड से स्टार्ट होते तो एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डू से और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब आप किसी से, वैन यू टेक परमिशन, आप किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई यूज योर पेंसिल, मे आई यूज योर क्रेयॉन्स, मे आई यूज योर टॉयज, कुछ भी आप पूछते किसी से परमिशन लेने के सेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्टूडेंट्स, रीड एंड लर्न न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग फॉर इम्प्रूव योर वर्कअप एंड डू प्रैक्टिस इन योर बुक एंड नोटबुक, पंक्चुएट द सेंटेंसेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।